लोकसभा 2024 की हलचलें तेज हो चुकी हैं और आरएलडी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे राजनीति काफी गर्मा गई है। आरएलडी और बीजेपी में चुनाव 2024 को लेकर गठबंधन हुआ है और जिसमें सीटों के भी आपस में बंटवारे हुए हैं। राजकुमार सांगवान को आरएलडी ने बागपत से अपना उम्मीदवार बनाया है और जब उनको उम्मीदवार बनाया गया तो उनके लिए शुभकामनाओं के पोस्टर लगाए गए जगह जगह, और उस पोस्टर में बीजेपी और आरएलडी के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे दिखाई दिए, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और इधर से जयंत चौधरी, अजीत चौधरी और चौधरी चरण सिंह के चेहरे उसमें दिखाई दिए। तो उसमें एक चेहरा ब्रजभूषण शरण सिंह का भी दिखाई दिया, जिसको लेकर आरएलडी ने मोर्चा खोल दिया और आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार और प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कहा कि वह उन्हें अपराधी मानते हैं, यानी कि आरएलडी उन्हें अपराधी मानती है। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामलों में वह आरोपी हैं और अभी तक वो कोर्ट से बरी नहीं हुए हैं, तो उनके साथ आरएलडी किसी प्रकार का उनके लिए प्रचार नहीं करेगी और उनको प्रचार में साथ नहीं लेगी और किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म साझा नहीं करेगी। उल्लेखनीय है कि जब महिला पहलवानों के द्वारा धरना और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो कि WFI के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी के कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, तो जब उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, महिला पहलवानों की तरफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उसका समर्थन आरएलडी ने किया था और जयंत चौधरी स्वयं उनके धरने में शामिल हुए थे। आरएलडी का कहना है कि वह महिलाओं का सम्मान करती है और महिला सम्मान उनके लिए सर्वोच्च है। दूसरी तरफ सपा को लेकर उन्होंने कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सपा ने अभी तक कोई बयान नहीं दिए हैं और वह इस तरीके के अपराधियों का संभवतः सपा समर्थन करती है, इसलिए अभी तक कोई बयान नहीं आया। बाकी बीजेपी क्या सोचती है वह तय करना बीजेपी का काम है। आरएलडी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए किसी प्रकार से प्रचार में न वो शामिल होगी न उनको साथ लेना चाहेगी। और दूसरी तरफ कैसरगंज लोकसभा सीट, जो कि पांचवें चरण में जहां पर चुनाव होना है, वहां कैसरगंज के लोकसभा सीट के संबंध में अभी तक बीजेपी ने अपने कोई पत्ते नहीं खोले, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी ने कई ऐसे लोगों के टिकट काटे हैं जो अपने कार्य में निष्क्रिय रहे या विवादित रहे, ऐसे लोगों का टिकट कटा है, तो यह माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है। इसी को देखते हुए कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सपा ब्रजभूषण शरण सिंह को शायद अपने तरफ से उम्मीदवार बनाए। कैसरगंज लोकसभा सीट के भी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं और आरएलडी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने पत्ते खोल दिए हैं और कहा है कि वह उनसे दूरी बना के रखना चाहती है। और ऐसा माना जा रहा है कि कैसरगंज लोकसभा सीट से एक और कुछ चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी चर्चा चल रही है कि एक चेहरा और अवध ओझा नाम का, जो कि गोंडा के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित चेहरा है, काफ़ी मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं और उनकी बात सुनी जाती है, और हाल ही में उनकी एक फ़ोटो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM उत्तर प्रदेश के साथ भी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी संभवतः कैसरगंज लोकसभा सीट से अवध ओझा को उम्मीदवार बना सकती है। फिर भी अभी इस सीट पर सस्पेंस बना हुआ है और आरएलडी ने स्पष्ट कह दिया है कि वह ब्रजभूषण शरण सिंह से दूरी बनाए रहेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पे काफ़ी आरोप रहे हैं महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के, और काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ की हेडलाइंस बनती रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कि मामला चला और वे महिला पहलवानों के द्वारा मतलब ये आरोप लगाए गए, जो कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट अभी तय करेगा कि मामला क्या होता है, तो जब तक कोर्ट से वह बरी नहीं हो जाते हैं आरएलडी उन्हें अपराधी मानती है और वो आरोपी हैं। आरएलडी ने अपना ये मोर्चा खोल के राजनीति को गर्म कर दिया है। तो यह अपडेट थे कुछ आरएलडी, बीजेपी और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। जो लोकसभा के जो चुनाव होने हैं वो 7 चरण में होने हैं, सारी चरण के बारे में बता दिया गया है। तो पांचवा चरण है वह कैसरगंज उस लोकसभा सीट उसमें आती है। तो यह अभी तक के अपडेट थे जो कि खासकर ब्रजभूषण शरण सिंह से संबंधित थे। आगे की कुछ और अपडेट्स चुनाव से संबंधित होगी या किसी पार्टी से संबंधित होगी तो हमारे द्वारा उसको लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।